दोस्तों आज की बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए। डेट शीट का डेट आ गया है, यानी डेट शीट कब अनाउंस होगा उसका डेट शिक्षा मंत्री जी ने लाइव आके बता दिया है। अभी शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इंटरेक्ट कर रहे थे प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ सीबीएसई सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, यानी इंटरेक्शन हो रहा था सीबीएसई के स्टेक होल्डर से। शिक्षा मंत्री जी सीबीएसई के स्टेक होल्डर से इंटरेक्शन में उन्होंने बताया कि डेट शीट कब आ सकती है। तो दोस्तों 2 फरवरी को इन्होंने डेट बताया कि 2 फरवरी को हम डेट शीट लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी कि 2 फरवरी को, यानी आने वाले कुछ दिनों में, आपके डेट शीट पूरा लाइव हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, 10वीं का भी बोर्ड का एग्जाम का और 12वीं का भी बोर्ड का एग्जाम का। और क्लास 9th वाले और क्लास 11th वाले कमेंट कर रहे थे इस वीडियो के नीचे कि हम लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लीजिए। तो दोस्तों ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन डेट शीट आने वाली ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी में फ्री में आप टेस्ट सीरीज ले जाइए और अपने जिंदगी को और बेहतर बनाइए, अपने करियर को बिल्कुल सेट कर दीजिए। तुरंत अभी जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कैसे करना है ये वीडियो देखिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अनअकैडमी पे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए ये जो तीर का निशानी है इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ये लिंक मिल जाएगा जहां पे लिखा है कि फ्री में फायदा उठाएं टीबीआईटी कोड से। तो टीबीआईटी कोड से अगर आपको फायदा उठाना है तो इस लिंक पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये ऑप्शन दिखा कि कौन से ब्राउजर से आपको खोलने हैं। तो मैं कर देता हूं क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर पे आपको क्लिक कर लेना है और क्रोम ब्राउजर जैसे खुलेगा आपको सबसे पहले ये एनरोल नाउ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये क्लास 11 के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लास 12 के लिए। तो मैं क्लास 12 के लिए सेलेक्ट कर देता हूं और एनरोल कर लेता हूं। एनरोल करने के जैसे बाद आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूं, आप भी अपना मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मोबाइल टाइप कर दिया तो ये लॉगिन का ऑप्शन आ गया, इस लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे ओटीपी आएगा, जैसे ओटीपी आपको आएगा तो आपको फिल करना है। तो देखिए दोस्तों ओटीपी आ गया है, मैं इस पे फिल करता हूं 179590, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी। ओटीपी जैसे वेरीफाई होगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा एनरोल नाउ का, फिर आपको यहां पे क्लिक कर देना है एनरोल नाउ, तो आप एनरोल हो जाएंगे।